पीएम मोदी आज करेंगे गति शक्ति योजना की शुरुआत, बढ़ेगी विकास की स्पीड। पीएम मोदी सुबह 11 बजे लॉन्च करेंगे गति शक्ति योजना को। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को योजना का किया था ऐलान। गति शक्ति योजना में केंद्र सरकार के 16 विभाग मिलकर करेंगे काम, सैटेलाइट से परियोजनाओं की मॉनिटरिंग। पीएम मोदी आज दिल्ली में प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर का भी करेंगे उद्घाटन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नए प्रदर्शनी हॉल में किया जाएगा आयोजित। अफगानिस्तान पर हुई G20 की बैठक, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कट्टरपंथ और आतंकवाद का जरिया न बने। G20 की बैठक में पीएम मोदी ने कहा अफगानिस्तान में हथियार तस्करी और नशीले पदार्थ पर कार्रवाई रहे जारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो समान प्रक्रिया। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में समावेशी प्रशासन का आह्वान किया, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर जोर दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया वीर सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए चली मुहिम, सावरकर के विचारों पर चलने की आज जरूरत। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को दिल्ली किया तलब, 14 अक्टूबर शाम 6 बजे अकबर रोड पर होगी बैठक, केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत भी रहेंगे मौजूद। ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान की बेल पर आज सुनवाई, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के तहत होगी सुनवाई। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने समीर वानखेड़े की जासूसी मामले में दिए जांच के आदेश, एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी करेंगे जांच। दिल्ली और आसपास के शहरों में आज से बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम, दिल्ली में अब 49.76 रुपए प्रति किलो सीएनजी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सियासी ड्रामा जारी, आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को करेंगे लीड। आज सुबह 11:30 बजे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात का दौर, राहुल समेत 7 नेता राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। कार्टून के जरिए बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा यूपी में चुनाव आते ही प्रियंका ने भेष बदल डाला। प्रियंका के लखीमपुर दौरे पर बीजेपी का तंज, यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने अंकित दास के ड्राइवर को कोर्ट में किया पेश, सीजेएम कोर्ट ने शेखर भारती को भेजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत के खिलाफ उगला जहर, वीडियो जारी कर कश्मीर में जिहाद छेड़ने की बात कही। अलकायदा ने पत्थरबाजों से भारतीय सेना पर पत्थरबाजी की अपील की, बाबरी मस्जिद का जिक्र कर मुसलमानों को भड़काने की साजिश। जम्मू कश्मीर में मजहबी सौहार्द बिगाड़ने की फिराक में आतंकी मंदिरों को आतंकी बना सकते हैं निशाना, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े नेता भी आतंकियों के निशाने पर, हिंदू सेब व्यापारियों पर भी हो सकता है हमला। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। आतंकी की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का खुलासा, बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था अशरफ, फर्जी पासपोर्ट के सहारे सऊदी और थाईलैंड भी गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले 10 सालों से भारत में रह रहा था अशरफ, कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा अशरफ। आईएसआई आतंकी अशरफ के सामने आया का अजमेर कनेक्शन भी सामने आया, कुछ महीने तक अजमेर दरगाह इलाके में बनाया था ठिकाना। दिल्ली में आतंकी अलर्ट के बाद चौकसी बढ़ाई गई, सभी बड़े बाजारों की सीसीटीवी में निगरानी, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती। आतंकियों के समर्थन में फिर आई महबूबा मुफ्ती, मांगी पकड़े गए आतंकियों की डिटेल, कहा नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। पाकिस्तान पर भारत का परोक्ष हमला, कहा सीमा पार आतंकवाद दहशतगर्दी का ही अन्य रूप है, आतंकवाद के खिलाफ गंभीरता से एकजुट हो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। यूएनएससी की बैठक में धार्मिक आतंकवाद पर भारत ने दुनिया को लताड़ा, कहा हम हिंदू विरोधी धार्मिक आतंक के विकराल रूपों को पहचानने में फेल हुए। भारत समेत 4 देशों का मालाबाद युद्धाभ्यास, बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ चीन की पैनी नजर। एलएसी पर बीमार पड़ रहे हैं चीनी सैनिक, बीजिंग के एक रिसर्चर का दावा, ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बीमार पड़ रही है जिनपिंग आर्मी। आज महाअष्टमी के पावन मौके पर देश भर में मां महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना, माता रानी के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र के 8वें दिन आज माता के 8वें स्वरूप महागौरी के भक्त कर रहे हैं आराधना, माता महागौरी की पूजा करने से पापों से मिलती है मुक्ति। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, शारदीय नवरात्र पर योगी ने विधि विधान से मां की आराधना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा, जालंधर में श्री देवी तालाब मंदिर में टेका मत्था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मां दुर्गा का आशीर्वाद दिया, रायपुर के दुर्गा पंडाल में मां की भक्ति मिली नजर आए सीएम, विधि विधान से की पूजा अर्चना। दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर कोलकाता में बनाया गया पंडाल, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनाया गया पंडाल। पटना में स्वास्थ्य विभाग का खास अभियान, दुर्गा पंडाल में किया टीकाकरण। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला संकट के लिए राज्यों को ठहराया जिम्मेदार, कहा राज्यों को पहले ही कहा था कि स्टॉक बढ़ा लें, लेकिन तब हमारी नहीं सुनी गई। सरकार के सूत्रों के मुताबिक
हवाले से ये खबर सामने आ रही है। फिलहाल कोयले का कोई संकट नहीं है, कोयले का पर्याप्त स्टॉक है, राज्यों की मांग के हिसाब से सप्लाई करने की कोशिश। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को DCGI की मंजूरी, 2 से 18 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन, टीके की 2 डोज होगी जरूरी। सीएम योगी आज गोरखपुर में महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय का करेंगे लोकार्पण, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहेंगे मौजूद। गोरखपुर में आज सीएम योगी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, कई लोगों के साथ करेंगे अहम बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ का काशीनगर दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को दिए कड़ी सुरक्षा के निर्देश, सीएम ने गौतम बुद्ध नगर महापरिनिर्माण स्थली के किए दर्शन। आज हमीरपुर से निकलेगी SP की विजय यात्रा, जालौन कानपुर देहात में भी पहुंचेगा अखिलेश कर। यूपी के मथुरा से प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई, बांके बिहारी मंदिर में शिवपाल यादव ने की पूजा। अखिलेश यादव की यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा, कहा अखिलेश यादव पहले भी यात्रा का नतीजा देख चुके हैं। कानपुर के व्यापारी मनीष हत्याकांड में 2 और गिरफ्तार, 1 लाख का इनामी SI राहुल दुबे और इनामी सिपाही प्रशांत गिरफ्तार।